बताइए बुआ जी, आप किसे बचाने की कोशिश कर रही हैं? बोलिए। अपनी बकवास बंद करो, हम किसी को नहीं बचाना चाहते। किससे झूठ बोल रही हैं? मुझसे या अपने आप से? इतना तो मैं भी जानती हूँ बुआ जी कि आप जैसी तेज दिमाग वाली औरत इस खेल को ना समझ रही हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस साजिश करने वाले को अब तक जानती ना हो। आपके बेटे ने गलत किया है और उसे उसके किए की सजा मिल रही है। सजा तो आपको भी मिलनी चाहिए, क्योंकि जितना अपराध करने वाला अपराधी होता है, उतना ही उस अपराध को छुपाने वाला भी अपराधी होता है। इसी नाते आपको भी सजा जरूर मिलेगी और इसका फैसला कानून लेगा। खैर, हमने आपको 12 घंटे दिए थे, लेकिन जो औरत अपने खुद के बेटे को बचाने के लिए सच नहीं बोल सकती, वो हमें क्या सच बताएगी? इसीलिए मैं जा रही हूं और मैं आपका सच मां को जरूर बताऊंगी। नलिनी भाभी को तुम जाकर बताओगी और तुम्हें लगता है वो तुम्हारी बातें मान लेंगी? क्या सबूत है तुम्हारे पास? जब बात दिल से निकलती है तो वो सीधा दिल पर असर कर जाती है बुआ जी। मां को मेरी बातों पर विश्वास करना ही होगा। इसे दीजिए आप हमें। कैसे यकीन कर ले हम? आप हमारी खुशियां लौटाने के बाहर आए थे, लेकिन हमसे हमारी सारी खुशियां छीन ली आपने। नहीं माँ, ये क्या कह रही हैं आप? धोखे से हमारे बेटे को दवाइयां देते रहे और 2 दिन बाद उसकी जान चली गई। हमारा बेटा चला गया। माँ, हमें भी उसके पास भेज दीजिए। लीजिए माँ, ये सब क्या कर रही है आप? हमें छोड़िए बेटा, इसको छोड़िए आप। माँ हटाइए उसे। खबरदार, हमारे पास आए तो माँ उसे हटा। माँ आपको हमारी कसम है, उसे हटाइए। माँ चल जाएगी। वीर के सिवा हमारे कोई नहीं था। हमने कुछ नहीं किया, आप उसे नीचे कर। नहीं रहा हमें भी नहीं। माँ अपने पोते से मिले बिना इस दुनिया को छोड़कर जाना चाहती हैं आप? हाँ माँ, आप दादी बनने वाली हैं। ये रिपोर्ट्स हमारे घर पर आई उस डॉक्टर की तरह झूठी नहीं है। खुद भी एक माँ है, जानती है कि एक माँ के लिए उसके बच्चे की क्या अहमियत होती है। खून? बाबू दादा, यस सुनिए, ये मेडिकेट किसके लिए लेके जा रहे हैं? तो बिजेंद्र बाबू के हाथों में चोट लगी है, खून बह रहा है, उन्हीं के लिए ले जा रहा हूँ। जी रणधीर, ये अंगूठी तो पापा की है। क्या दिखाई? अमृत,
इसमें भी खून है। अब ये बताओ किसको उड़ाना है? उसको भी उड़ा दूंगा। जानता मेरा बाप कौन है? बताते क्यों नहीं मेरा बाप कौन है और मेरी माँ कौन है? अरे माँ बाप की बात थाने में जाकर होगी, जाओ। अमृत, नमन नशे की हालत में कुछ बोल रहा था। पापा का अचानक उसको बीच में रोक देना, फिर पापा के हाथ पर चोट लगना, उनके खून से भरी अंगूठी का यहाँ पाया जाना और कावेरी बुआ के स्टोर रूम की तरफ आना, मुझे लगता है कि सच्चाई ना इस दरवाजे के पीछे है। जी आप? उदय, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, चलो मेरे साथ। जी लेकिन कहाँ? बताती हूँ मैं, चलो। मैं सोच भी नहीं सकता कि आप पर क्या बीत रही होगी। इतना सब कुछ हो रहा है हमारे आसपास, और अब ये जानने के बाद कि वीर की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी, जितना दुख आपको महसूस हो रहा है उतना है मुझे भी हो रहा है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, जिसने भी वीर के साथ ये किया है मैं उसे सख्त से सख्त सजा दिलवा के रहूंगा। अमृत और रंधीर कावेरी के बारे में बहुत कुछ बोल के गए। का कहना है कि कावेरी पहले दिन से हमारे खिलाफ चाले चल रही थी। अरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब चोर पकड़ा जाता है तो अपना इंजाम दूसरों के माथे मढ़ने की कोशिश करता है, जो कि ये दोनों कर रहे हैं। कावेरी बेचारी तो इस पूरे तमाशे से तंग आकर अपने महल वापस चली गई। बिना हमसे बात किए, बिना हमें बताए? वो कहीं नहीं गई है। उन्हें भेजा जाने वाला था। आराम से बैठिए। क्या हुआ कावेरी को? इन्हें कुछ हुआ नहीं है माँ, इनके साथ ये किया गया है। और ये इन्होंने किया है। ये जो आपके सामने खड़े हैं, हमें तो सिर्फ इन पर शक था मां, पर इन्होंने हमारे शक को यकीन में बदला जब इन्होंने अपनी सच्चाई टेलीफोन पे कबूली है। Hello. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.